लड़कियां उस वक्त गलती करती हैं जब शौहर में वली को ढूंढती हैं। शौहर तो शौहर होता है, बस वो गलतियां करेगा, झूठ बोलेगा, लड़कियों को डेट करेगा। तुम्हें उससे मोहब्बत करनी आई ना बेवफा, तो बताओ मेरे साथ क्या करोगे? धंधे को मोहब्बत और मोहब्बत को धंधे की जरूरत नहीं होती। बड़ी बुरी खबर है, वो मुन्ना को किसी ने मार दिया। ये अच्छा नहीं हुआ रहती। मुन्ना मर गया अब्बा। देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। मुझे क्यों छोड़ के चले गए? रशीदा, रशीदा अख्तर भाई को उठाओ, उठाओ इनको, उठ जाए, उठ जाए अख्तर भाई, उठ जाए, मुझे छोड़कर मत जाए। मुझे छोड़ के क्यों चले गए? आरिफ साहब, मकबूल का पता लग गया है, उसका बाप अस्पताल में, मैं वहीं जा रहा हूँ उसका पासपोर्ट और टिकट ले रही हूँ। क्या हुआ उसके बाप को? पता नहीं साहब, पता करके बता दो। जितना जल्दी हो सके भेजो उसे। ठीक है साहब, मैं पहली फ्लाइट से उसे दुबई भेज देता हूँ। डिस्चार्ज हिस्ट्री तैयार है, रिसेप्शन पे जाके अपने ड्यूज क्लियर कर ले और डेथ सर्टिफिकेट भी उठा ले। हेलो मकबूल, क्या हुआ? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मकबूल जवाब तो दो। अब्बा चले गए, उन्होंने मुझे माफ नहीं की, मेरी तरफ पलट के भी नहीं देखा। क्या कह रहे हो, क्या हुआ? मैंने मार डाला, जान ले ली उनकी। क्या? वो सब जान गए थे, हमने सब पता चल गया। क्या बकवास कर रहे हो मकबूल, क्या किया तुमने? तुमने कहा सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन जो था वो भी खत्म हो गया। काश उस दिन तुम्हारे बजाय अपनी बहन का साथ देता तो आज मैं यतीम ना होता। मकबूल देखो मेरी बात सुनो। हेलो हेलो मकबूल, हेलो आज रात पापा को यहीं पे रखेंगे, नमाज़े जनाज़ा और तदफीन कल सुहर के बाद होगी। अभी आप दोनों मेरे साथ घर चलें। नहीं
मैं यही रहूंगी इनके पास। मकबूल अचानक को खबर कर दी, उसे भी तो बताना है, उसे कौन बताएगा? आरिफ, कुछ पता चला? खबर सच्ची है साहिब, अख्तर का वाकई इंतकाल हो गया। मकबूल कहें? इधर ही है अस्पताल में। उसे समझाओ, नहीं तो अपने साथ साथ हम सबकी गर्दनें कटवाएगा। नहीं साहिब, आप बेफिक्र हो जाए, मैं समझा दूंगा उसे। रखता हूं साहिब। आप लोग जाए, मैं आता हूँ। तुम भी तुम प्लीज। तुम मानी के साथ जा, मैं कल के सारे इंतजाम देखता हूँ। ये लो भाई, ये चाबी ले जाओ, तिजोरी की चाबी। जो भी खर्चा वो वहां से निकाल लेना। इसको अपने पास ले। बड़ा दुख हुआ आपके वालिद का, खुदा उनकी मगफरत करे। वालिद के इतना दुख हुआ, तुम्हारी माँ और एक बहन भी है। भाई आप जाओ। बात करो साहिब। हेलो, मैं समझ सकता हूं तुम किस हैसियत से गुजर रहे हो। नहीं समझ सकते मकबूल, मैंने जो किया तुम्हारे घर वालों की सलामती के लिए किया। अगर उस वक्त मैं वो सख्त कदम ना उठाता तो हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। तुम फिक्र मत करो, कल के सारे इंतजाम आरिफ संभाल लेगा, मैं भी आऊंगा। तुम बस अपने घर वालों के साथ रहो, उनके दुख बांटो, मगर ख्याल से कोई बेवकूफी नहीं। उजाला कल जनाजे पे आ सकती है, मैं चाहता हूँ वो भी आखिरी बार अब्बा जी का चेहरा देख ले। उजाला जहाँ है उसे वहीं रहने दो, उसको सबके बीच लाना खतरनाक हो सकता है।
आप उसके आने का इंतजाम करें, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जी साहिब, इस पे नजर रखो। साहिब, तार बेटा अपना सैंडविच खत्म करो, जल्दी करो, लेट हो जाओगी। तुम्हारे जेल विजिट का क्या हुआ? फॉरेन डेलीगेशन कब आ रहा है? इसी हफ्ते है किसी दिन। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, खैर है? आज बहुत सुबह सुबह याद कर लिया। मुझे तुमसे काम है। जी फरमाइए। उजाला के वालिद साहब की डेथ हो गई है। ओह, आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट। मैं चाहता हूँ कि तुम उजाला को जनाजा अटेंड करने की इजाजत दो। सॉरी सर, ये तो मैं नहीं कर सकती। वजह? मेरी आपकी डील हुई थी ना कि आप मेरी प्रमोशन करवाएंगे तो मैं आपके काम आऊंगी। हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार मत रहा करो, तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी, सब्र करो। अच्छा ठीक है जी, बताइए क्या करना है। उजाला को खामोशी से उसके घर पहुंचाओ, शाम तक वो वहीं रहेगी, किसी को भिनक भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। और कुछ? नहीं, जब ये सब हो जाए मुझे इत्तला कर देना। खैरियत है? क्या हुआ? उजाला के वालिद का इंतकाल हो गया, शबीर चाहता है कि मैं उसे जनाजे में जाने दूं। तो अब तुम क्या करोगी? जाहिर बात है भेज दूंगी, और क्या करना है, मैंने काम कर रही हूँ शबीर के साथ, उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। मुझे जाना है सारा की 4 बजे अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, इसे ले जाना, लेट मत करना। बाय बेटा। उजाला उठो, जल्दी से नाश्ता कर ले। हाय, उठ जा मेरा बच्चा। उजाला, उजाला उठो, तुमने रात से कुछ नहीं खाया, आ जाओ नाश्ता कर लो हमारे साथ, आ जाओ। उजाला चल उठ, तुझे मैडम ने बुलाया। क्यों क्यों बुलाया मैडम ने? तू अपने काम से काम रख। उजाला बाहर आ और ये अपना हाल हुलिया दुरुस्त कर, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। घबराना मत उजाला, मलिक साहब काम हुआ? अरे वाह क्या बात है, बस जल्दी भेजे मुझे एड्रेस। अरे वजह को मारें गोली, बस दुआ करें एक दफा मेरा काम हो जाए, मुंह बोला इनाम दूंगा आपको। शुक्रिया।
थैंक यू आलिया, तुम बाहर वेट करो। हमारा पहले तारुफ नहीं है, मैं जेल सुपरिटेंडेंट हूं नजमुन्निसा। क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो? यहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, सब ठीक है। गुड, तुम जाके तैयार हो जाओ, तुम्हें सफर पे जाना है। सफर? तुम्हें घर भिजवा रही हूँ। मेरी सजा माफ हो गई? नहीं उजाला, सजा तो माफ नहीं हुई है, लेकिन तुम्हें घर भिजवा रही हूँ। घर जाओ, अपने घर वालों से मिलो और शाम तक वापस आ जाना। उजाला, जाओ जाके तैयार हो जाओ, देर हो जाएगी। आलिया, इसे ले जाओ वापस। जी। हेलो, उजाला को इजाजत दिलवा दी है, थोड़ी देर में वो घर के लिए रवाना हो जाएगी। और मकबूल, कोई बेवकूफी मत करना। किससे मिलना है आपको? मेरा नाम बख्तियार हुसैन है, मैं हामन जमान साहब से मिलने आया हूँ। अपॉइंटमेंट है आपके पास? मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, मैं वतन अजीज पार्टी का मेंबर हूँ और आज हामन जमान साहब के लिए एक खास नजराना लेकर आया हूँ। जो भी लाओ यहाँ छोड़ दो, बगैर अपॉइंटमेंट साहब से नहीं मिल सकते। मेरा ख्याल है मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पाया। मेरा नाम बख्तियार हुसैन है और आज मैं हमन समान साहब से मिलकर ही जाऊंगा, समझे आप? ये सब क्या है? तुम्हें जो भी कहना है मुझे बताओ, काम की बात लगी तो हामिद साहब तक पहुंचा दूंगा। देखिए शेखर साहब, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन बात की नौयत ऐसी है कि मैं आमन जमान साहब के अलावा किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। ऐसी क्या बात है? नहीं बता सकता। ठीक है, और कुछ? ऐसा ना कहें सर, आज हमारा बात करना बहुत अहम है। हाँ तो बता दो मुझे वो अहम बात, नहीं तो जाओ। देखें साहब, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। ठीक है, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ।
सेरेमनी के सारे इंतजाम पूरे हैं ना? जी सर। देखो शकूर, मुझे किसी किस्म की कोताही नहीं चाहिए। बिल्कुल आमिर सर, ऐसे ही होगा। रुकिए, कहाँ जा रहे हो? ये शोर कैसे? सुनिए हामिद साहब, तुम यहां क्या कर रहे हो? बाहर निकालो इसका। सर मेरा नाम बख्तियार हुसैन है, मैं आपसे मिलने आया हूं सर। कुछ बहुत अहम है जो आपको दिखाना जरूरी है सर, मुझे सिर्फ आपके 2 मिनट चाहिए सर। तुम ऐसे नहीं मानोगे। शकूर, 1 मिनट। उजाला, उजाला, इतने लोग क्यों जमा है यहाँ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बहुत चिंता की। अल्लाह तुझे सब्र दे बेटी, बहुत अफसोस हुआ। बहुत अफसोस हुआ रिशिता, अल्लाह भाई के दर्जा बुलंद करे। तू आगे मेरी बच्ची, तूने बहुत देर कर दी। तुम्हारे अम्मा तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारे अम्मा तुम्हारा इंतजार करते रहे। साफ देखी चला गई। मेरी बच्ची, हाँ बोलो सर। मुझे अपना फैन, अपना फॉलोअर समझे। सियासत हो या तिजारत, मैंने जिंदगी का हर गुर आपसे सीखा है। बहुत इज्जत करता हूं मैं आपकी, इसलिए आपको वार्न करने आया हूं सर। वार्न करने? क्या मतलब? कुछ लोग हैं जो वफादारी की दीवार के पीछे छुपकर मुसलसल गद्दारी के वार किए जा रहे हैं, जिन्हें आप देख नहीं पा रहे। किसकी बात कर रहे तुम? सर मैं आपके चहेते, आपके लाडले शब्बीर की बात कर रहा हूं सर। शब्बीर आपको धोखा दे रहा है सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सच है, शब्बीर आपको धोखा दे रहा है सर। जिस उजाला को आप इबरत का निशान बनाना चाहते हैं, उसे जेल में वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहा है शब्बीर। और जब मेरी बीवी जेल सुपरिंटेंडेंट नजमुन्निसा ने उसको कन्फ्रंट करने की कोशिश की, तो उसने उसे सस्पेंड कराने की धमकी दी है सर, और उसे हुक्म दिया कि वो आपसे झूठ बोले और आपको धोखा दे। ये झूठ बोल रहा है सर, शब्बीर ऐसा कर ही नहीं सकता। सबूत है मेरे पास। ये देखिए सर, आमिर जमान जो सुनना चाहता है वो तुम उसे सुनाओगी।
लेकिन उजाला को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अगर उसके सर पे एक बाल भी है ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को। गोरकन से बात हो गई है, आधे पौने घंटे में कब्र तैयार हो जाएगी। जी भाईजान। तूने कहा था कि उजाला भी आएगी। जी भाईजान, आना तो था। मैं पता करता हूँ। भाई इफ्तिखार, वो उजाला बाजी आ गए हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। उजाला कहाँ है? सर अपने सेल में होगी। झूठ मत बोलो नजमुनिसा, तुम्हारे शौहर ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। कहाँ है वो? सर वो अपने वालिद के जनाजे में गई है। किसकी इजाजत से? उसे बुलाओ फौरन। जी सर। आलिया ऑफिस में आना मेरे। एक बात बता, ये फोतगी पे लोग रोते क्यों हैं? क्या मतलब? मतलब ये, जब आदमी जिंदा होता है तो उस पे चलाते हैं, और जब वो दुनिया से चला जाता है तो उसके लिए चलाते हैं। अब भला बंदा पूछे तुम्हारे रोने से उसने वापस थोड़ी ना आ जाने। तू फिकर ना कर, तेरे जनाजे पे कोई नहीं रोएगा। अबे चल तक मत। कॉल आ रही है मैडम की, पता नहीं अब क्या कह रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम। जी ठीक हो गया, हम आ रहे हैं वापस। जी जी। क्या हुआ है? मैडम ने वापस बुलाया है, चल चलते हैं, कबूतरी को घर से निकालते हैं।
गाड़ी स्टार्ट करो, हम आ रहे हैं। असर होने वाली है भाई, अब हम लोगों को चलना चाहिए। चल बीबी, मैडम ने तुझे बुलाया है। ये अभी कैसे जा सकती है, तो जनाजा भी नहीं हुआ। हाँ तो इसने उठाने जनाजा। ओ बीबी उठ जल्दी, कारे रुक जाओ, मैं अपनी बेटी को नहीं चले दूंगी। और चल बीबी, सुनाई नहीं देता तुझे, चल। चल हट सामने से, थोड़ी देर रुक जाओ, जनाजा उठने वाला। तुम्हारा लवर है क्या? शोहर हूं मैं इसका। शोहर साहब पीछे हटे, चल चल। रुक जाओ उजाला, रोको रोको, इस कार जाके रोको, ले लेंगे मकबूल जाओ। चल बीबी चल, चल चल, बच्चे को ले गए, जाओ जाके देखो, सारी मेरी उजाला को ले गए। आई अल्लाह, उसको रोको, रोको उसको। आरे सलाम सर, कहाँ है आप? मैं उजाला के वालिद के जनाजे पे आया हूँ। शकूर या आमिर साहब का फोन आया? साहब शकूर की कॉल आई थी। क्या कह रहा था? आपका पूछ रहा था, क्या कहूँ उससे? मैं कम ही फैक्ट्री पे हूँ, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। ठीक है साहब। चल चल भाई, चल चल चल। उजाला को कोई हाथ नहीं लगाएगा, अगर उसके सर पे एक बाल भी हिला तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा। सीधी तरह चल, इधर ही खड़ी हो। चल अंदर चल। उजाला क्या हुआ? उजाला उजाला सब खैरियत तो है? उजाला तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कुछ बताओ क्यों रो रही है? जाओ तुम बैठो, आ जाओ। सानिया जी
पानी। क्या हुआ उजाला? उजाला तुम बताओगी नहीं तो फिर मुझे कैसे समझ आएगी? चलो पानी पियो। कहाँ गई थी तुम? क्या हुआ उजाला? उजाला तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ। अम्मा नहीं रहे। फिर संभालो, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। करे हर पल हसीन सिर्फ ग्रीन।